अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के फजल व करम से। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो है ना, कहीं पे फौत की हुई, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो देखते हैं आज की रूटीन क्या बनती है। फिर और सुबह जो है ना, सुफियान के साइकिल की टायर भी पंचर थी, तो सुफियान ने कहा कि आप लोग जैसे जा रहे हैं, जाते हुए पहले मुझे भी छोड़ दें। फिर हमने सोचा चलो सुफियान को छोड़ के जाते हैं, कि उसको फिर लेट हो जाता स्कूल के लिए। और अभी हम लोग आए हैं सुफियान को छोड़ने के लिए। पहले सुफियान को इधर छोड़ेंगे फिर जाएंगे। चलो सुफियान, आपका स्कूल भी आ गया, चलो रेडी हो जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। इधर से ही निकलो, ठीक है? हाँ ठीक है। फिर कोई ले जाएगा आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। और माशाल्लाह आज विलेज का मौसम भी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपसे सॉरी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नींद में थी और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं थी, पता नहीं मैं कैसे बोल रही थी। और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम हो रहा है और बुखार हो रहा है, खांसी, ऐसे बहुत सारी तबीयत ख़राब हो रही है। और हमने यहाँ पे आना था जनाजे पे, और सुबह सुबह ही हम लोग निकल आए, तो मैं नींद में ही ऐसे बोल रही थी। व्लॉग की स्टार्ट तो करनी ही थी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो जब हम वापस आ रहे थे, एक अम्मा थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने कहा हमें घर तक छोड़ दीजिए, उनके पाँव में शायद चोट लगी है। और ये मेरी अम्मी की बचपन की फ्रेंड भी थी, और ये अम्मा जो है इनको चोट लगी है, तो वापसी के हम इनको घर छोड़ेंगे। और रास्ते में अम्मा जो है ना, असगर भाई और नजमा बाजी की बातें कर रही थी बचपन की, क्योंकि इन अम्मा का कहना है कि ये हमारे मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल नज़दीक रहती थी, और पूरा दिन असगर भाई और नजमा बाजी इनके साथ ही होते थे। तो सुनते हैं इनसे। मुझे जल्दी आ गया, मैं मामू का घर जुट गया। सही आओ मनु आ करे सारे, आज देखा बच्चियां ठीक है, बच्चे ठीक है जी। सर नजमा को चाहते हुए असगर, वो असगर को तो अल्लाह ने ही ठेक गई। अच्छा, नजमा वहां मेरे घर खड़ी हो ना, वो बने ना पे मान। अच्छा हां, उठा वन से पूजाऊंगा मैं ना, आप साहब बेबे खाऊं मां सारी साहब के बजे ना मनी सारा और स्टोरी बताते बताते अम्मा अपने घर के नज़दीक भी आ गई, क्योंकि इनका घर रास्ते में पड़ता था। इन्होंने हमें बहुत इंसिस्ट किया कि आप अंदर चलें, और अंदर चल के चाय पिए। इन्होंने अभी अपने बेटे की शादी किया, तो इनका कहना था कि आप चलें मेरी बहू को भी देखें। हम सिर्फ गए वहाँ पे उनसे मिलके सलाम करके फौरन वापसी आने की क्योंकि हस्बैंड को शॉप पे जाने, अब्बू अकेले हैं शॉप पे। ये देखें बैल, देखें कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बैल है माशाल्लाह। अभी दिख तो नहीं रहा, लेकिन अल्लाह करे सही हो, बस घर लेके जाएंगे तो पता चलेगा कि सही बना है कि नहीं। चेकिंग वैकिंग लगता है डन हो गई है, बस सब उठाना है। और माशाल्लाह मौसम आज देखें कितना खूबसूरत है, तकरीबन ये कोई हफ्ता पूरा बारिशें बताई हैं, बादल बताए हैं, अभी जो है ना बादल बने हुए हैं, बारिशें तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है।
और आप सब जो है ना बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं कि अली से मिले अली से मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ। किसका दिल नहीं करता, मेरा मैं माँ हूँ, मेरा कितना दिल करता है मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैंने और मैंने किया भी है, मैंने अब हर चीज़ छोड़ दी है, हर अपनी अना हर चीज़ को एक साइड पे कर दी है। बस मैं ये चाहती हूँ मेरा बेटा मुझे आके मिले, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े अब मैं करूँगी। पहले मैं ये सोचती थी हाँ झगड़े हैं ये हैं वो हैं, अब कोई मेरे ऊपर रिएक्शन दे कुछ भी देना मुझे उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे अपने बेटे से मिलना है। हमारे ख़ानदान में जितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं ना उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब जो है ना कोई किसी को कुछ कह सकता है। जिसका भी दिल में जो मैल था ना सबने निकाल दी है, तो आप सबको जो है ना ये चीज़ें ये अनाज छोड़ देनी चाहिए। मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो अल्लाह के हवाले कर दिया सब कुछ। अब चाहे कोई मुझे किसी कोई भी बात करे ना मुझे उसका फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना तो फिर आपको हौसला मिल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब हौसला मिल चुका है। और जैसे मैंने अल्लाह पर छोड़ा ना तो अल्लाह ने मेरा हर काम आसान कर दिया है, तो इंशाल्लाह अब हर काम आसान होगा और अल्लाह पाक बेहतरी करेंगे इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है मुझे कि मेरे अल्लाह जो है ना मेरे साथ अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआएं भी हैं, थैंक यू सो मच कि आप सब जो है ना इतनी दुआएं करते हैं। और आज जो है ना मैं अपनी सब्सक्राइबर रिम्पी शाह का नाम लेना चाहूँगी। माशाल्लाह रिम्पी शाह रिम्पा शाह हैं, पता नहीं रिम्पी शाह हैं, लेकिन माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी हैं और हमेशा हार्ट भेजती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। थैंक यू सो मच रिम्पा शाह, आप हमारे लिए जो है ना बहुत मायने रखते हैं। जैसे हम आपके लिए मायने रखते हैं वैसे आप भी हमारे लिए उतना ही मायने रखती हैं। हमें भी आपसे उतनी ही मोहब्बत है, हम भी आपकी उतनी इज़्ज़त करते हैं कदर करते हैं, क्योंकि आप हमें अपना कीमती टाइम देती हैं और हमारे व्लॉग देखती हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। और कल किसी और का नाम होगा इंशाल्लाह। और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर जो है ना ये चीज़ मैंने क्यों शुरू की। ये चीज़ मैंने इसलिए शुरू की है क्योंकि बहुत लोग इंस्टा पे आके कहते हैं कि जी हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपके व्लॉग देख के बहुत आपके जो है ना फ़ैन हो गए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं आप। तो मुझे लगता है कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं मुझे भी उनको रिटर्न में उतना प्यार देना चाहिए। वो तो इंस्टा पे आके मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन मुझे ओपनली उनको अपना प्यार दिखाना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पे घर पे आते हैं पहला काम यही, मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंदा और हस्बैंड के लिए रोटी बना ली, अब उनके लिए मिल्क शेक बनाते हैं, फिर फ्री होके देखते हैं कि क्या करना है। अभी ताज़ा आटा गूंदा है ना तो ये देखें रोटी भी अच्छी नहीं बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह से जल्दी जल्दी हस्बैंड का नाश्ता रेडी हो गया, अब लेके चलते हैं उनके पास। चलें बिस्मिल्लाह करें, मेहरबानी से फिर से बोले मेहरबानी से। मिल्क शेक इनका फेवरेट है इसीलिए बोल रहे हैं मेहरबानी, मेहरबानी मतलब शुक्रिया। कैसा बना है, टेस्टी ना? और ये सीज़न का पहला मिल्क शेक बना है आम का। सीज़न में बच्चों को भी आम चाहिए, हस्बैंड को भी आम चाहिए, बस आम के साथ ही रोटी खानी होती है। ये तो खा लेते लेकिन मुझे नहीं खाई जाती, मुझे लाजिम है कि कुछ नमकीन चाहिए। मैं एग फ्राई करूँगी या कुछ भी खा लूँगी लेकिन मैं आम के साथ नहीं खा सकती क्योंकि मुझे मीठा पता नहीं नाश्ते में रोटी के साथ पसंद नहीं है, बाद में खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बुर्का पहन रही हूँ, हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने और जो मेरा रजिस्ट्रेशन वाला काम था गाड़ी का तो अभी उन्होंने बोला है कि आपने प्रिंट आउट उन्होंने भेज दिए और यहाँ से जाके हमें वो प्रिंट आउट निकलवाने हैं। हस्बैंड को देर हो रही है और यहाँ पे बहुत गंदा वाला ट्रैफिक जाम और यहाँ पर माशाल्लाह मौसम इतना अच्छा हो ही रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि अम्मी के लिए और हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ उनके लिए जो है ना यहाँ से समोसे लेती जाऊँ फ्रेश फ्रेश। भाई उधर से डाले वो फ्रेश वाले डाल रहे हैं ना, फ्रेश वाले डाल रहे हैं ना। चले ठीक है, बेचारे भाई सही सही डाल रहे थे फिर भी मैंने उनको डांट दिया। चलें जी अब
चलते हैं घर, काम हमारा नहीं हुआ क्योंकि जहाँ से हमने काम करवाया है ना बहावलपुर से, उन्होंने ऐसा काम किया ना कसम से, हस्बैंड का नेम चेंज, मेरा नेम चेंज, NIC नंबर चेंज, सब चीज़ें मिस्टेक करके रख दी है। अब दोबारा करेक्ट होगा फिर मेरा काम होगा, अब दोबारा काम आगे गया पड़ा। ऐसे कोई लोग हैं ना बताओ भला, पैसे भी लेते हैं और इनसे काम भी ठीक से नहीं होता है। अब दोबारा हमारा काम जो है ना आगे हो गया, टाइम ऊपर से ज़ाया हो गया, वो अलग। ये पकड़े अभी पैसे लेने हैं छुट्टे। ये देखिए मुर्गे भी मौसम इंजॉय कर रहे हैं। आ गया कि खानपुर में एक ऐसा आपका ही ऐसा कलर है जो किसी गाड़ी नहीं है, किसी के पास नहीं है, खानपुर में सिर्फ मेरे पास ही वही कलर है और वही मॉडल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये हमारी सड़क का हाल है, बारिश से पानी भरा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी है। अभी तो थोड़ी बारिश हुई है, पता नहीं ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगा। और इधर माशाल्लाह से अम्मी वापस आ चुकी है लाहौर से, तो मैंने हस्बैंड को कहा मुझे इधर ही छोड़ते जाएं, आज जाते हैं अम्मी से मिलते हैं, गपशप करते हैं, क्योंकि अम्मी गई थी दोबारा अपना इंजेक्शन लगवाने, वही उनका जो कमर का प्रोसीजर है वही करवाने। चल मेरा समोसा वापस कर, मुझे मार रहा है। मेरा है, चल मुझे दे, मैं लाई थी, मेला था। तो आज हम लोग हैं अम्मी और अब्बू की तरफ, तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ बॉयल सिवैयाँ, क्योंकि अम्मी और अब्बू को बॉयल सिवैयाँ बहुत पसंद हैं, तो अभी उनके लिए वो बॉयल सिवैयाँ बना रहे हैं। वो जो पतीला है वो बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने पतीला चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे देखें इस पे मेंशन किया गया कि पतीला बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बटन ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हो चुके हैं। असल में अम्मी को पता नहीं था, तो उस पे पानी बॉयल रख दिया और थोड़ी सी इधर से हीट लगी, थोड़ी सी इधर से हीट लगी, दो बटन ख़राब हो गए। अब मैंने अम्मी को बताया कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस पे पतीला छोटा होना चाहिए, जो कि बटनों तक इसका जो हीट है वो नहीं पहुँचनी चाहिए। तो ये एक आप लोगों के लिए भी इन्फॉर्मेशन है। माशाल्लाह आप लोग तो वैसे बहुत ही, जो मुझे देखते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रेजुएट हैं, और मुझसे तो कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी एक एज ए इन्फॉर्मेशन फ्री में, जैसे किसी को पता नहीं होगा तो पता चल जाएगा उनको। क्या करूँ, ऊपर देखो, ये देखो तुम्हारी मूछें, मुझे वाला। चलें जी, अगेन मेरे हस्बैंड आ गए और हम लोग जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के काम के लिए, जो कि हमारा दोपहर को नहीं हुआ, अभी फिर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो हो चुका है, अब निकलते हैं घर वापस, काम हमारा हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज के व्लॉग में अगर कोई पहले वाली क्लिप ऐड हो गई हो तो भी मैं आपसे माजरत चाहूँगी, सॉरी करना चाहूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पास जो व्लॉग पड़ा था जितना मैंने बनाया है उसी को मिक्सअप करके डाल दिया है, और यहाँ पर जो है ना कुछ शॉप की कलेक्शन है माशाल्लाह भाई की, तो आपने ज़रूर अगर बाय करने हैं किसी ने तो आप मुझसे इंस्टा पे आके कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अगर आप इंस्टा पे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास जो है ना डायरेक्ट मैंने फैशन ब्राइडल फैशन का जो है ना वो कार्ड भी सेंड किया था, आपने जो है ना वहाँ से ही आपने ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। तो जिस तरह की भी आप पिक दिखाएंगे आपको एज इट इज़ वैसा ही डिज़ाइन मिलेगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।